अस्सलाम वालेकुम। खान अकेडमी की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त 2020 मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ देखेंगे 10th क्लास साइंस की यूनिट नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 4.1। अब 4.1 को स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। लेकिन देखो पार्शल फ्रैक्शन, सबसे पहले आपको पता हो फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन कहते हैं 9 को, फ्रैक्शन कहते हैं 9 को, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब 9 होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो होगा उसको हम कहेंगे नोमिनेटर ऑफ एक्स, और जो नीचे होगा उसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब नोमिनेटर यहाँ कुछ भी 5 लिख दें या 8 लिख दें, तो 5 क्या होगा हमारे पास नोमिनेटर ऑफ एक्स, और 8 क्या होगा हमारे पास डिनोमिनेटर ऑफ एक्स। अब पार्शल फ्रैक्शन मतलब है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। पार्शल फ्रैक्शन मतलब है फ्रैक्शन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना, इसे कहते हैं पार्शल फ्रैक्शन। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 ये होता है, एक होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। 2 टाइप्स होती है पार्शल फ्रैक्शन की, 2 टाइप्स हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं प्रॉपर क्या होती है और इम्प्रॉपर क्या होती है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसके अंदर नोमिनेटर नोमिनेटर ऑफ एक्स की वैल्यू छोटी हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ऊपर वाले एक्स की पावर छोटी हो, नीचे वाले की एक्स की पावर बड़ी हो, तो ये होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नोमिनेटर के अंदर एक्स की जो पावर है वो छोटी हो और डिवाइड के अंदर एक्स की पावर बड़ी हो ऊपर वाले से, ये होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या होता है, इम्प्रॉपर में 2 केस होते हैं, या ऊपर और नीचे दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ऊपर एक्स की वैल्यू पावर और नीचे एक्स की पावर दोनों बराबर हो, ये होता है हमारे पास इम्प्रॉपर, या ऊपर एक्स की पावर बड़ी हो और नीचे एक्स पावर छोटी हो, तो ये भी हमारे पास होता है इम्प्रॉपर, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड ऐसे ऊपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी हम क्वेश्चन करेंगे पार्शल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन, तो सबसे आपने क्वेश्चन को देखना है इम्प्रॉपर में, तो आपने इसको प्रॉपर में करेंगे उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इम्प्रॉपर को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको डिवाइड करते हैं, प्रॉपर में करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। ऊपर वैल्यू अंदर लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू को बाहर लिखेंगे। अब देखें एक्स थ्री चाहिए हमें, यहाँ एक्स टू है, एक एक्स है, 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 3। फिर लिखते किस तरह, इसका फॉर्म लिखने का फॉर्म लिखा क्यू प्लस आर बाई डी, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे क्यू प्लस आर बाई डी, जो ऊपर उसको हम कहते हैं क्वेश्चन, जो नीचे उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, और जो ऊपर उसको कहते हैं डिवाइजर, ठीक हो गया। ये इसका इंट्रोडक्शन था। पार्शल फ्रैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, एक्स के ऊपर जो एक्स होता है इसकी पावर छोटी होती है नीचे वाली एक्स की पावर से, ठीक है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर ऊपर नीचे दोनों की पावर बराबर होती है। दूसरा केस होता है ऊपर ऊपर एक्स की पावर बड़ी नीचे एक्स पावर छोटी, ये भी इम्प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर को प्रॉपर में करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन, अब 4.1 क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखा होगा इसका, 7x माइनस 9y एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3, ये पहला क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आप चेक करें इसको प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में। देखें नीचे x एक दफ़ा और x एक दफ़ा दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है, तो मल्टीप्लाई के अंदर पावर ऐड होती है x पावर 1 x पावर 1, तो क्या x पावर स्क्वायर, ऊपर की x 1 है, इसका मतलब ये प्रॉपर है। देखिए ऊपर x की पावर छोटी नीचे x की पावर बड़ी, तो ये क्वेश्चन क्या प्रॉपर में, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फ्रैक्शन को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखें नेट इसे लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल लिखेंगे a लिखेंगे, a की जो पहले में लिखा दें, a की जो पहले लिखेंगे दरगाह हमेशा प्लस आएगा, फिर b लिखेंगे और b की जो दूसरी वैल्यू x माइनस 3, इसको इक्वेशन 1 कर दें, इक्वेशन नंबर 1। अब इन कैल्सियम लें, नीचे क्या x प्लस 1 आ रहा है और x माइनस 3 आ रहा है,
इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड खत्म होगा, तो देखिए बाय मल्टीप्लाई, ठीक है, जो एलसीएम होगा उसे मल्टीप्लाई कर दें बाय मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड, ठीक है, जो नीचे आ रहा है उसे आप मल्टीप्लाई करें तो बटा खत्म होगा, नीचे क्या आ रहा है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, लेकिन अब देखिए एक्स प्लस वन एलसीएम को तीनों के साथ देखें फिर मल्टीप्लाई सेवन एक्स माइनस नाइन फाइव एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, फिर एलसीएम को लिखेंगे एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई ए वाई एक्स प्लस वन, ठीक है, फिर प्लस ये कॉपर में नीचे मैं देख रहा हूँ, फिर प्लस ये वाला आएगा, फिर एलसीएम एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई डी वाई एक्स माइनस थ्री, जो एलसीएम होगा उसको हर एक के साथ देखेंगे, अब देख पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे आके हमारे पास सेवन एक्स माइनस नाइन, अब देखेंगे एक्स प्लस वन एक्स में कैंसिल, अब ए देखेंगे और साथ में एक्स माइनस थ्री, फिर जो हमारा प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स में कैंसिल, बी देखेंगे और बी के साथ ब्रैकेट आएगी एक्स प्लस वन, इसको करेंगे क्वेश्चन टू, ठीक हो गया। अब सबसे पहले देखें एक्स का क्या है, प्लस वन एक्स प्लस वन आ रहा है, तो हम देखेंगे पोर्ट, इसको हम बराबर प्लस वन है माइनस का पोर्ट करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन टू, देखिए प्लस वन है तो हम देखिए माइनस वन, ये कैसे है देखिए एक्स प्लस वन को बराबर जीरो करें फिर प्लस वन जाएंगे और माइनस वन, तो इस तरह देखिए माइनस वन पोर्ट करेंगे, प्लस वन होगा तो माइनस वन करेंगे, माइनस वन होगा तो प्लस वन पोर्ट करेंगे इन इक्वेशन टू, अब जहाँ जहाँ एक्स है बाहर हमने लगाना है माइनस वन, माइनस वन आ जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स हमारे लगा दी जाएंगे माइनस वन, ठीक है, जहाँ एक्स हम माइनस वन लगा दिया एक्स हम माइनस वन लगा दिए, अब प्लस माइनस माइनस सेवन वन जो सेवन माइनस नाइन वैसे आएगा, माइनस वन और माइनस थ्री माइनस फोर, अब देखिए माइनस वन में से प्लस वन निकाल दी तो जीरो आएगा, माइनस सेवन और माइनस नाइन माइनस कितना आएगा सिक्सटीन, प्लस यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस फोर वन जन फोर प्लस डी जीरो जीरो, एक और स्टेप कर देते हैं, अब इसको ऐड करें जीरो इसके अंदर तो यही आएगा माइनस फोर ए, अब ये फोर मल्टीप्लाई करा के डिवाइड, ठीक है, फोर वन जन फोर 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 जन सिक्सटीन, ये माइनस दाग के अंदर कट जाती है मैथ के दाग के अंदर, ये कैंसिल हो जाएंगे तो फोर आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई, अब इक्वेशन टू पे चले जाएं, अब माइनस थ्री आ रहे हैं, अब क्या पुट करेंगे पुट, अब देखिए माइनस यहाँ पे आ रहा है इक्वेशन टू माइनस थ्री आ रहा है, पुट करेंगे प्लस थ्री, तो देखिए पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू के अंदर आप प्लस थ्री पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस थ्री आ रहा था, हम प्लस करेंगे पुट करेंगे प्लस थ्री, अब जहाँ एक्स वहाँ प्लस थ्री पुट कर दें, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लस थ्री, सेवन थ्री से ट्वेंटी वन माइनस नाइन वैसे आएगा, अब थ्री में से थ्री निकाल जीरो आएगा, थ्री प्लस वन फोर होगा, अब ट्वेंटी वन में से नाइन निकालें कितना आएगा ट्वेल्व आएगा, और लगेगा प्लस, देखिए मैथड माइनस होगा साइन प्लस का लगेगा क्योंकि बड़े साथ प्लस है, ए जीरो जीरो बी फोर वन सर फोर बी, अब इनको ऐड करें तो ही आएगा फोर बी, अब बी को सेपरेट करें या मल्टीप्लाई करा के डिवाइड इज इक्वल टू बी, फोर वन सर फोर फोर थ्री सर ट्वेल्व, तो ये आ गया हमारे पास बी का आंसर, अब इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन मार के, देखिए पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन वन, अब एक क्वेश्चन पुट कर दें सेवन एक्स माइनस नाइन बाय नीचे वैसे एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री, जैसे ए की जगह क्या आएगा फोर, फोर की वैल्यू निकाल दें नीचे एक्स प्लस वन एज ए सेट आएगा, फिर प्लस बी की वैल्यू आएगी हमारे पास थ्री, तो थ्री पुट कर दें एक्स माइनस थ्री, ये क्या हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन ये आंसर आ गया, इस तरह बाकी पार्ट कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन के, ठीक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आप
सॉल्व करने से पहले आप देखिए प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में, तो प्रॉपर की पहचान क्या होती है, ऊपर एक्स की वैल्यू छोटी हो नीचे एक्स वैल्यू बड़ी हो, ये प्रॉपर में होता है। और इम्प्रॉपर की पहचान क्या होती है, ऊपर एक्स की वैल्यू बड़ी हो नीचे एक्स वैल्यू छोटी हो, तो ये इम्प्रॉपर होता है। या ऊपर एक्स की वैल्यू नीचे एक्स वैल्यू दोनों सेम हो तब भी इम्प्रॉपर होते हैं। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर पे करना हो तो डिवाइड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।